तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान जयंती की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी के जन्म के विषय में बताएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में दो बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, किंतु हनुमान जी ने तो सिर्फ एक ही दिन जन्म लिया था, फिर वर्ष में दो बार जयंती क्यों मनाई जाती है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको ये कथा सुनकर बड़ा ही आनंद आएगा। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं राम जी के भक्त हनुमान जी का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। एक बार जब ऋषि अंगिरा देव लोक में आए, इंद्र देव सिंहासन पर बैठे थे सभा लगाए। सजी हुई है कुंजक स्थला नाम की अप्सरा नृत्य कर रही है, प्रसन्न कर रही है सबको वो अपना नृत्य दिखाकर। ऋषि अंगिरा भी उस सभा में बैठे हुए थे जाकर, उस अप्सरा के नृत्य की सब ही कर रहे थे बढ़ाई, पर ऋषि अंगिरा ने उसमें कोई रुचि ऋषि अंगिरा न ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्तजनों, अप्सरा पुंजकला के नृत्य से सभा में उपस्थित सभी देवगण बड़े ही हर्षित थे, किंतु महर्षि अंगिरा को उनके नृत्य में कोई रुचि नहीं थी। जब नृत्य का समापन हुआ तो महर्षि अंगिरा से इंद्रदेव ने पूछा, हे ऋषिवर, आपको पुंजकला का नृत्य कैसा लगा? तो उन्होंने कहा, मुझे नृत्य में कोई रुचि नहीं। ये सुनकर पुंजकला को बड़ा ही क्रोध आया। उसके अकारण क्रोध से महर्षि अंगिरा भी क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजकला को श्राप दे दिया, बंदरिया की तरह उछल कूद कर रही हो, तुम्हारा अगले जन्म में विवाह वानर कुल में ही होगा। श्राप दिया ऋषियों का कदापि जाता व्यर्थ है ना, अगले जन्म में पुंजकला आई बन कर अंजना। सच हो गया श्राप जो ऋषि अंगिरा ने दिया, वानर राज केसरी से फिर उनका विवाह हुआ, किंतु श्राप भी उनके लिए तो बन गया वरदान। अंजना माँ की कोख से जन्मे पवन पुत्र हनुमान, केसरी नंदन पवन पुत्र क्यों भक्तों कहलाए। रोचक कथा बड़ी ही भक्तों आओ तुम्हें सुनाए, अंजना गर्भ लेके जन्म कैसे ये आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती
भक्त जनों, ऋषि अंगिरा द्वारा दिया श्राप कुंजीकला के लिए वरदान साबित हुआ जब उन्होंने अंजनी के रूप में जन्म लिया और वानर राज केसरी से उनका विवाह हुआ तथा उनके गर्भ से पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। भक्त जनों, जब माता अंजनी का विवाह केसरी नंदन से हुआ था तो हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों बोला जाता है, इसकी भी बड़ी ही रोचक कथा वेदों में वर्णित है। आइए जानते हैं। भोलेनाथ ने विष्णु जी का मोहिनी रूप जो देखा, हो गया काम जागृत उनका, कैसे जाए रोका। रूप मोहिनी देख के ऐसे चूर हो गए हैं, भोलेनाथ तो भक्तों बिंदु सब देवों ने बिंदु जो धरती पे गिरेगा, संभवता ये बिंदु धरती को ही नष्ट करेगा। मुनि नारद ने पवन देव को फिर तो बुलाया है, क्या करना है बिंदु का उनको समझाया है। पवन देव ही उसको अंजना गर्भ मिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, जब भोलेनाथ भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर बिंदु दूर हो गए तो मुनि नारद ने पवन देव को बताया कि भोलेनाथ के तेज को सहने की क्षमता किसी में नहीं है, अतः आप इनके तेज को ले जाकर माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दें ताकि ऋषि अंगिरा का दिया हुआ श्राप अंजनी माता के लिए वरदान साबित हो जाए। तब पवन देव ने भोलेनाथ के तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया और तभी भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान ने जन्म लिया। मांजनी के गर्भ से जब हनुमान ने लिया था जन्म, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन, स्वाति था नक्षत्र और जब उनका जन्म हुआ, ऋषि अंगिरा का दिया श्राप वरदान में बदल गया। जन्म दिवस बजरंग बली का भक्तों मंगलवार, प्रकट हुए हैं 11वें बनकर वो रुद्रावतार। पवन देव भोले के तेज को अंजनी गर्भ में लाए, पवन पुत्र बजरंग बली भक्तों तब ही कहलाए, केसरी नंदन भी तो ये कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार ऋषि द्वारा दिया गया श्राप भी वरदान में बदल गया और 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन हुआ। किंतु भक्तों, मत ये भी है कि चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भी हनुमान जयंती होती है। आज हम इसी कौतूहल को दूर करने की चेष्टा करेंगे। पूर्णिमा का दिन भक्तों जब आए, इस दिन भी हनुमान जयंती भक्तों मनाई जाए।
फिर रहस्य बोलो क्या। अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के स्वामी है हनुमान, बालापन से ही है जो वीर और बलवान। क्योंकि ये तो अंश खुद भोले का ही कहलाए, इसीलिए तो रुद्र का अवतार भी बोला जाए। और जन्म मांजनी गर्भ से लेकर आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। भक्त जनों, इस प्रसंग में हम आपको बता रहे हैं कि हनुमान जयंती वर्ष में दो बार क्यों मनाई जाती है। जब माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ तो रुद्र अवतार होने के कारण उनमें असीम शक्तियां थीं और अष्ट सिद्धियों एवं नौ निधियों को प्राप्त कर चुके थे। एक दिन प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो हनुमान जी ने सूर्य की ओर देखा और सोचने लगे, ये आसमान में इतना बड़ा लाल फल क्या लटक रहा है। हनुमान जी की जिज्ञासा बढ़ने लगी। ये भक्तों बजरंग बली के बचपन का किस्सा है। प्रातः काल एक दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ है, छोटे से हनुमान अपने आंगन खेल रहे और लालिमा सूरज की वो देख रहे। जिज्ञासा हुई मन में, क्या ये कोई फल है लाल। उड़कर निकट वो पहुंच गए और ऐसा किया कमाल। और समझ के फल कोई सूरज को निगल लिया, सारी ही सृष्टि में जिससे घोर अंधेरा हुआ। देवता गण भी अब तो चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। भक्त जनों, जब बाल्यावस्था में हनुमान जी अपने आंगन में खेल रहे थे तो उन्हें प्रातः काल का सूरज किसी फल के समान प्रतीत हुआ। लाल लाल फल देखकर उनकी भूख बढ़ गई। वो पवन पुत्र तो यही उड़कर सूर्य देव के पास पहुंच गए। सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, जिससे सारी सृष्टि में घोर अंधकार हो गया। जब सूर्य उदय नहीं हुआ तो सभी देवता गण बड़ी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अचानक ये अंधकार कैसे छा गया। जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान
भगवान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सूर्य न निगलने का कारण बता दिया कि हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया। हम सभी देवतागण जाकर हनुमान से विनती करते हैं कि वो सूर्य देव को मुक्त कर दे और सृष्टि का अंधकार दूर हो जाए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर हनुमान जी के पास आते हैं और उनसे सूर्य देव को मुक्त कराने की विनती करते हैं। तब भी बाहर ना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। भक्तजनों, इंद्रदेव के वज्र प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े, किंतु सूर्य देव तब भी मुक्त न हुए। हनुमान जी को मूर्छित देखकर सभी हर देवतागण चिंता में पड़ गए। पवन देवता भी वहां उपस्थित थे। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर उनको इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध आया और इंद्रदेव से कहने लगे, चलाया है ये तो है नादान, आपकी बुद्धि गई कहां। अपने अपने शस्त्र लिए है देवता सभी यहाँ, किंतु बल के प्रयोग किसी ने अपने नहीं किए। वज्र आपने हनुमान पर लेकिन छोड़ दिए। अब तुम मेरे क्रोध से बचकर इंद्र जिससे व्याकुल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। भक्तजनों, पवन देव ने जब क्रोधित होकर वायु को रोक लिया तो सभी देवताओं और जीव जंतुओं का सांस लेना दूभर हो गया। वायु के बिना तो क्षण भर भी किसी का जीवन संभव नहीं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, पवन देव आप इस सृष्टि पर कृपा करें और अपने वायु वेग को छोड़ दें। मैं हनुमान की वज्र देह बना देता हूँ। आज के पश्चात वज्र का प्रहार भी इन पर असर नहीं करेगा। और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वज्र देह वरदान दे दिया। तत्काल ही फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का संचार हनुमान के देह में कर दिया।
हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। दूर हुई तत्काल ही बालक हनुमान की मूर्छा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का दिन था। मूर्छा से जब हनुमान जी बाहर आए हैं, जन्म दूसरा ही जैसे आज वो पाए हैं। इसीलिए हनुमान जयंती इसे बताते हैं, धूमधाम से भारत वर्ष में इसे मनाते हैं। अपनी अपनी शक्ति का दिया देवों ने वरदान, जिससे हो गए बजरंगी और अधिक बलवान। अजर अमर होने का वरदान वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। हनुमान की जन्म कथा है, कब इनका जन्म हुआ है। भक्त जनों, तो ये थी हनुमान जयंती वर्ष में दो बार मनाए जाने की पावन कथा। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाने का यही कारण है कि इस दिन हनुमान जी को वज्र देह का वरदान मिला था और वो मूर्छा से बाहर आए थे। फिर सभी देवताओं की शक्ति पाकर हनुमान जी अत्यंत बलवान हो गए और आगे चलकर श्री राम की सेवा करके राम भक्तों में सबसे सर्वोत्तम होने का दर्जा पाया। बोलिए बजरंग बली की जय। चैत्र मास में भक्तों पूर्णिमा जब जब आती है, तब ही तो हनुमान जयंती मनाई जाती है। राम नाम गुणगान जहाँ हो चले ये आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वर्ष में क्यों दो बार जयंती इनकी मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। बरनउ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानि के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि
रखवारे असुर निकंदन रा।